हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ। देखिए, आपने दुबई में बहुत सारे फाउंटेन्स देखे होंगे, तो मतलब उसमें अपने को फाउंटेन शो मिल जाता है, फाउंटेन में LED लगाकर वो शो दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको एक आज ऐसा एक फाउंटेन दिखाने वाला हूँ जो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। जी हाँ, देखिए अब मेरे पास ये फाउंटेन है, मैं एक मिनट चालू करता हूँ इसे। तो अब देखिए, मैंने फाउंटेन को ऑन कर दिया है। ये तो नॉर्मल फाउंटेन ही थे, आपने ये तो बहुत बार देखा होगा, मतलब ये तो हम गर्मर भी बना सकते हैं। एक टब है, टब के अंदर पानी की मोटर है, वो पानी को ऊपर फेंक रहा है। लेकिन हमारे फाउंटेन का कमाल ये नहीं है। अब देखिए, ये तो फाउंटेन हो गया ना, तो देखा आपने, ये एक नॉर्मल पानी से, देखिए मैं हाथ में भी ले रहा हूँ, देखिए ये नॉर्मल पानी से, लेकिन हमारे फाउंटेन के अंदर अभी आग लगी हुई है। ये पानी से, नॉर्मल पानी से, अगर ये कोई मतलब फ्लेमेबल अगर कोई लिक्विड होता तो भाई जहाँ पर भी ये लिक्विड गिर रहा है, अभी मैं ये इसे पूरे सेटअप को मैंने टेबल पे रखा हुआ है, ये टेबल भी जल जाती। तो ये पानी से, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि ये कोई मैजिक व्यजिक नहीं है, पर अगर मैं आपको इसके पीछे का राज नहीं दिखाऊँ तो आप यही समझेंगे कि ये भाई मैजिक है। नहीं, मैं आपको इसके पीछे का राज दिखाता हूँ और आप ये घर पर भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये घर पर भी कर सकते हैं, और आप आपका घर बड़ा है तो भाई ये चालू भी रख सकते हैं आप। तो मैं आपको इसके पीछे का राज दिखाता हूँ, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाता हूँ मैं इसके पीछे का राज क्या है। ये नॉर्मल वाटर है, ये पानी की मोटर है जो हम कूलर में यूज़ करते हैं, और ये वाला एक स्टील का रॉड है, भाई आप कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट ये है, पानी में तो आग लग नहीं सकती। तो हमने क्या किया, हमने इधर से ये जो स्टील का रॉड है ना, एक मिनट में आपको इसे खोल कर दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टील का रॉड है ना, इसके अंदर हमने एक पाइप को ज्वाइंट किया हुआ है। कुछ इस तरह से ये पाइप जाता है हमारे गैस में, मतलब हमने एक गैस यूज़ की है जो कि एक फ्लेमेबल गैस है, ब्यूटेन उसे कहते हैं। हम चाहे तो LPG भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इधर से नॉब ऑन करता हूँ तो क्या होता है, इस पाइप के अंदर गैस भी फ्लो होती है, साथों साथ इस मोटर के अंदर से पानी भी फ्लो होता है। तो जब भी अब देखिए, आपको एक डाउट आएगा कि भाई वो जो भी हम आग लगाते हैं ना फाउंटेन के ऊपर, वो जाकर मतलब ये पाइप में से, मतलब वो ये कैन वीन फूटने का डर होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब ये पाइप के अंदर तक रहती है ना वो गैस, तब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो उसमें आग लगना इम्पॉसिबल है। जब वो बाहर आएंगी तभी उसे ऑक्सीजन मिलेगा। तो आपने देख लिया, और ये हमारे मोटर का तार है, आपने देख लिया। अब आप मानते होंगे कि भाई ऐसा हो सकता है, वरना अगर मैं आपको ये सीक्रेट नहीं बताता तो भाई आप मान ही नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है कि पानी में आग लग गई। तो देखा आपने, जल गया, क्योंकि इसके अंदर हमने LPG। अब देखिए, अब हम LPG की पावर को बढ़ाकर देखते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे मैं LPG को बढ़ा रहा हूँ ना, तो ये फाउंटेन का हाइट भी बढ़ रहा है और आग भी बढ़ रही है। इसे बंद कर देता हूँ मैं। देखिए, मैंने जैसे LPG बंद कर दी, फाउंटेन का हाइट छोटा हो गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल पे 35 से 40 वीडियोस डाल चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं फेल इतनी बार नहीं हुआ जितनी बार ये वीडियो में मैं फेल हुआ। मतलब मैं ये वीडियो अपलोड करने से पहले कर रहा था, ये वीडियो भाई हो ही नहीं रहा था, क्योंकि भाई ये वाटर का और ये LPG गैस का कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा था। मतलब आग लगी नहीं रही थी फाउंटेन में। अगर फाउंटेन में आग नहीं लगी तो इसमें मज़ा क्या है? इसलिए इसके लिए मैं बहुत फेल हुआ हूँ इससे पहले, वीडियो शूट करने से पहले। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही उम्मीद है कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।